जी बेटा, अब हम जो है ना इस स्क्रीन को शेयर करते हैं अभी, और इस स्क्रीन के साथ अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। अरिस्टोटल्स पोइटिक्स, ये हमारा टॉपिक है जी आज का, और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इंक्लूडेड है, और इसको आज हमने करना है जी। और इसका इंट्रोडक्शन हम अब देखते हैं जी। अरिस्टोटल की एक पोइटिक्स नामी बुक है, ये इसने प्लाटो जो था सबसे पहला जो क्रिटिक्स था हिस्ट्री के अंदर, उसके अगेंस्ट लिखी है बात, मतलब उसने कुछ एलिगेशन लगाए थे पोइट्री के ऊपर, तो इसने जो है ना उसके अंदर उनको रिबट किया। इसने बताया कि व्हाट व्हाट आर द नेचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पोइट्री, ठीक है, पोइट्री की एफिकेसी क्या है। तो इस बड़ा ही बी फिटिंग किस्म का इसने एक मतलब जो है ना मकाला लिखा है ये, और इसको पोइटिक्स का नाम दे दिया गया। और इसका ये भी है कि इसकी कुछ चीज़ें लॉस हो चुकी हैं, आजकल हमें नहीं मिलती, ठीक है जी। तो हम इसको देखते हैं जी, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अरिस्टोटल का पहले, बोर्न इन 384 BC, BC किसे कहते हैं जी, बिफोर क्राइस्ट। और चूंकि ये आप जो ना आप कहेंगे सर ये क्या बात है कि 384 में पैदा हुआ है और 322 में डेथ हुई है, तो चूंकि BC से पहले जितना इरा चल रहा है वो सारा का सारा अपोजिट चल रहा है। जैसे आजकल तो ये है ना 2022 में पैदा होगा तो 2000 मतलब जो 84 में कोई डेथ हो गई, तो इस तरीके से। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, पैदाइश पहले आ रही है और जो डेथ है वो बाद में आ रही है। उसकी रीज़न बेसिक ये है कि पहले जो था जो सिलसिला था वो सारा का सारा अपोजिट चलता था, ठीक है जी, और लेस होते जाते थे डेज, तो इस तरीके के साथ ये वजह है इसकी। तो तकरीबन इस तरह इसकी 62 ईयर्स तक एज बनती है मतलब जो है ना। उसके बाद अरिस्टोटल एंटर द अकेडमी बट लेफ्ट व्हेन प्लाटो डाइड। तो प्लाटो का ये जो है ना प्यूपल, जिसे शागिर्द भी कहते हैं, ठीक है जी, तो ये शागिर्द है उसका। और प्लाटो किसको कहते हैं, अफलातून, अगर हम उर्दू में समझाओ तो कभी मतलब हमारे अल्फाज, तो उस वो पहला क्रिटिक था जिसने, क्रिटिक किसे कहते हैं जो जजमेंट करता है। हम क्रिटिक, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये कहते हैं कि मतलब किसी चीज़ के ऊपर प्लस और नेगेटिव दोनों को देखना, ठीक है जी, तो इसमें जो है ना जजमेंट करना। तो मतलब जाहिर है जजमेंट किस पे होगी, किसी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के ऊपर होगी, किसी आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर होगी, किसी पोइट्री पे होगी, किसी ड्रामा पे होगी, किसी नावल के ऊपर होगी, तो मतलब जो भी आर्ट का वर्क होगा उसके ऊपर जो जजमेंट होगी उसे हम क्रिटिसिज्म कहेंगे, और जो करेगा उसको हम क्रिटिक कहेंगे। तो ये सबसे पहला जो क्रिटिक है वो प्लाटो है। तो प्लाटो ने पोइट्री के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए, उसने कहा कि ये एक आर्ट जो है ना ये इतनी अच्छी नहीं है, इसकी जगह पे फिलोसफी होनी चाहिए, तो फिलोसफी को उसने प्रेफर किया था। तो इस वजह से अरिस्टोटल को फिर एंटर होना पड़ा इस बातों के अंदर, और उसने पूरा उस जो है ना एलिगेशन को रिबट किया। तो मेंटोर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ये मेंटोरिंग भी करता रहा है। मेंटोर समझते हैं जो एक्सपीरियंस कंपेनर होता है किसी भी काम के अंदर, तो मतलब जैसे कोचिंग करना मतलब जो है ना उसे कहते हैं मेंटोरिंग करना, ठीक है। इस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, आपने वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा होगा, ठीक है जी, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जिक्र, तो उसका ये मेंटोर भी रहा है और शागिर्द था प्लाटो का। स्कूल्स इन एथेंस, ये एथेंस वहाँ का ग्रीक का सिटी था, वहाँ पर इसने द लाइसियम, लाइसियम नामी जो है ना वॉज फाउंडेड इन 335, ठीक है, BC बिफोर क्राइस्ट के अंदर इस वहाँ पर इसकी स्कूलिंग हुई है जी। उसके बाद ये देखें उसकी कुछ स्नैप्स हैं, कुछ पिक्स हैं कि इस तरह की सिविलाइजेशन थी इनकी, ठीक है, बिकॉज सिविलाइजेशन वॉज एट इट्स बिगनिंग। तो ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैसे सबसे पहला क्रिटिक कौन है, प्लाटो, लेकिन इसका ये है कि ये इसने सिस्टमेटिक एक पूरा मतलब जो है ना पोइट्री के ऊपर उसके नेचर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उनको मतलब पर्पस क्या है, पोइट्री का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पोइट्री का मीडियम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें पोइटिक्स के अंदर मौजूद हैं। और पोइटिक्स बेसिकली अबाउट द ट्रेजिडी, ठीक है जी, ट्रेजिडी चूँकि एक सीरियस सा वर्क होता है, उसके अंदर आगे हम इसको जब कॉन्स्टिट्यूंट्स पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि तकरीबन जो फेवर कर रहा है ये ट्रेजिडी को कर रहा है। ट्रेजिडी क्योंकि एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंदर बहुत सीरियस थीम होता है, एलिवेटेड सा कोई करेक्टर होता है और उसका डिक्लाइन होता है, तो फिर उसकी जो प्रिजर्वरेंस है, जो उसकी ग्लोरीफिकेशन है, तब हमें नज़र आती है। तो इस वजह से इसको ये प्रेफर कर रहा है, क्योंकि कॉमेडी भी एक मतलब जो है ना ज़ाहिर वर्क ऑफ आर्ट है, लेकिन वो बिलो एवरेज पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तंजो मजाक के साथ, सिटायर ह्यूमर के साथ, और उसके अंदर भी कुछ इसलाह होती है। लेकिन जो ट्रेजिडी होती है वो ही इंसान का सही हुसन सही सामने लेके आती है। तो इस वजह से इसने ट्रेजिडी को पोइट्री की चूँकि एक फॉर्म है, ठीक है जी, तो इसलिए इसने इसको बड़ा प्रेफर किया है। आगे चल के हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। अरिस्टोटल, ठीक है जी, फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, चूँकि सिस्टमेटिक
फर्स्ट वर्क किसने लिखा, तो इसलिए इसको फाउंडर भी कहेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। और ये पॉजिटिव जो है ना, मतलब क्रिटिक है, जो क्योंकि जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म थी वो प्लाटो ने की थी। उसने कहा था कि क्रिटिसिज्म जो पोइट्री है इज बेसलेस, ठीक है, विटलेस, तो मतलब इस पोइट्री जो है ना वो रीजन के अगेंस्ट जाती है, कॉपी ऑफ कॉपी करते हैं। आगे हम इसकी थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने ही की हैं। तो इसी के साथ डेंटे कॉल्ड हिम द मास्टर ऑफ दोज हु नाउ, मीन्स कि जितने जानने वाले लोग हैं ना, नॉलेज वाले पीपल हैं, उनका ये मास्टर है अरिस्टोटल, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्ट, बिकॉज ऑफ हिज अप्रोच। ठीक, प्लाटो रेफर टू अरिस्टोटल एज द माइंड, तो इसलिए प्लाटो जो है ना रेफर जो है उसको कहा करता था अपने शागिर्द को कि ये मेरा जहन है। ठीक है जी, तो इस तरीके के साथ आगे हम देखते हैं कि इसने क्या क्या चीज़ें, हम इसको जो है ना आगे चल के इसको डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिक है, हिस्ट्री है, एनालिटिक्स एंड ऑर्गन ऑर्गनोन है, तो ये सारी चीज़ें, अरिस्टोटल एपिस्टिमोलॉजी है, मतलब फाइव एलिमेंट्स इसने दिए हुए हैं, कैजुअलिटी फॉर द काजेज, ऑप्टिक्स, ये सारी मेटाफिजिक्स, ये सारे इसके टॉपिक्स हैं जी। तो इसका मतलब हुआ कि ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ही वॉज अ वर्सटाइल जीनियस, फिजिक्स, बायोलॉजी, जोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एथिक्स, एस्थेटिक्स, पोइट्री, थिएटर, म्यूजिक, रिटोरिक, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इसने अपनी कवर अप की हुई हैं। तो लेकिन पोइट्री के ऊपर इसकी ज़्यादा जजमेंट है, तो इसलिए इस अब हम इसके ओवरऑल स्पेसिफिक वर्क की तरफ आते हैं जी। तो अरिस्टोटल्स द पोइटिक्स में वो क्या बता रहा है, ठीक है जी। तो ये है जी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ऑन पोइट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले पोइट्री के ऊपर बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। पोइट्री वो बताता है कि ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्योंकि प्लाटो ने ये कहा था कि जब पोइट जो है, क्योंकि वो आइडियलिज्म का मतलब जो है ना फाउंडर है, तो वो ये कहता है कि हर चीज़ जो है ना एग्जिस्ट करती है इंसानी आइडिया के अंदर। क्योंकि देख, वो कहता है कि ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है या फिजिकल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, ये जो है ये सारी की सारी जो है ये कॉपी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो पहले जो आइडिया सोचा था, ठीक है जी, उसके बाद इसको क्रिएट किया है। तो इसलिए जब हम कोई भी यहाँ पर खड़े होके कोई नेचुरल फिनोमिना उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो वी आर गोइंग ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। सो देयरफॉर जो प्लाटो ने ये कहा, बट ही केम अप विद द पॉजिटिव कमेंट्स, अब उसने इन चीज़ों को ही तो रिबेट करे हुए कि ट्रेजेडी के अंदर हम जब कोई वाकया लेता है पोइट, तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जाहिर है वो जमाने से ही लेता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज अपनी तरफ से भी शामिल कर देता है। तो आगे वो चल के इसको ये कहेगा, तो इसलिए पोइट्री जो है ना उसको उसने सीरियस एलिगेशन लगा दिया कि भाई पोइट्री जो है ना एक फजूल काम है। तो इसके बाद ट्रेजिडी का मैंने बताया कि ट्रेजिडी को इसने प्रमोट किया, जितने भी फॉर्म ऑफ जो है ना क्या कहेंगे आप के लिटरेरी लिटरेचर के फॉर्म हैं, जॉनरेज हैं, उनमें से ट्रेजिडी को इसने, हालांकि ट्रेजिडी कॉमेडी ट्रेजिक टाइप है, उसके बाद जो है ना उसके कॉमिक टाइप है, उसके बाद जो है ना इसकी लिरिकल टाइप है, लेकिन इसने इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि पोइट्री में तो सब कुछ आ जाता है ना। तो इस तरह पोइट्रिक डिक्शन कैसी होनी चाहिए ये भी हमें बताएगा, ठीक है जी, कि पोइट्रिक डिक्शन जो है ना राइम एंड रिदम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि राइम और रिदम जो है वो लाइफ में थोड़ा सा तसलसल पैदा करता है। नैरेटिव पोइट्री एंड ट्रेजेडी, ये नैरेटिव पोइट्री के वो करेगा ट्रेजेडी के साथ, मतलब एपिक पोइट्री, जिसे नैरेटिव पोइट्री किसे कहते हैं, एपिक पोइट्री, तो उसमें लॉन्ग नैरेटिव टेल होती है, जैसे होमर और विर्जल ने ये बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हमें सुनाई हैं, आपने ग्रीक लिटरेचर तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें भी ये ट्रेजेडी को ही कंपेयर करता है। वो कहता है कि नहीं, ट्रेजेडी के अंदर जो एक्शन होता है, जो मतलब जो है प्लॉट होता है, उसके अंदर यूनिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बिगनिंग, मिडल और एंडिंग जो है वो प्रॉपर होता है। जबकि आपको पता होगा एपिक तो आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग नैरेटिव टेल होती है, उसके अंदर बहुत सारी लंबी लंबी बातें की जाती हैं, और वो फिर उसका कोई ज़्यादा समझ नहीं आ रही होती कि वो कहानी किधर जा रही होती है, तो इसलिए उसकी लेंथ की वजह से जो है ना वो ज़्यादा जो है ना इसने कहा है कि वो लेंथी हो जाती टेल, इसलिए उसको कहानी को यूनिफिकेशन और वो मतलब जो है ना बिगनिंग, मिडल, एंडिंग का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए वो प्लॉट आइडियल प्लॉट नहीं होता। तो ट्रेजिडी के अंदर इसने सबसे बेसिक चीज़ जो है ना वो डिफाइन की है, वो क्या है जी, इसका प्लॉट। तो एपिक इज कंपेयर्ड विद ट्रेजिडी, डेफिनेटली एपिक को कंपेयर किया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ट्रेजिडी के ज़्यादा फेवर इसने की है, और एपिक के इस इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि इस जो एपिक का प्लॉट होता है वो सारा का सारा एपिसोडिक होता है, कहीं एपिसोड कहीं इधर चली जाती है, जैसे आपने पैराडाइज लॉस्ट भी पढ़ी होगी, ठीक है जी, तो उसमें भी देख लें, वो भी एक एपिक है, कहानी जो है मिडल से स्टार्ट होती है, इस वजह से कि उसका बिगनिंग जो है ना वो मुश्किल होता है राइटर को बताने के लिए और कम जो ऑडियंस को समझाने के लिए, तो इसलिए उसका जो आगाज़ है वो हो ही मिडल से रहा है।
तो इसका एपिसोडिक नेचर की वजह से राइटर कहता है कि नहीं, ट्रेजेडी जो है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। उसके बाद इसके ऑब्जेक्शंस एंड आंसर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए, और इसने फिर इसके अंदर चैप्टर कितने हैं, ये पोइट्री की पूरी बुक है 26 चैप्टर, ठीक है जी, 26, अ काइंड ऑफ कवर्ट रिप्लाई टू हिज ग्रेट मास्टर। कवर्ट सी खुलम खुला जो है ना ये उसका रिप्लाई था अपने ग्रेट मास्टर, कौन है, प्लाटो, मैंने बताया, एक सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पोइट्री है ये वाली, ठीक है जी। तो इसने बहुत ही उम्दा तरीके के साथ जो है वो चीज़ों को डिफाइन किया। आ रिस्पॉन्स टू प्लाटो अटैक ऑन आर्ट, डेफिनेटली हम ये इसको बयान कर चुके हैं कि मतलब उसने कहा था कि पोइट्री इज़ अ यूजलेस एक्टिविटी बिकॉज इट कॉपीज जो है ट्वाइस, इट इज कॉपी द कॉपी, ठीक है जी, तो इट इज़ गोइंग ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। डिफरेंस बिटवीन अरिस्टोटल एंड प्लाटो, ये एक समझने वाली बात है जी। प्लाटो कंसिडर्ड इमिटेशन, आज जो कि हम जो है ना थ्योरी ऑफ इमिटेशन को कर रहे हैं जी, ठीक है जी, आज पहले जनरल और फिर उसके बाद हम थ्योरी ऑफ इमिटेशन, इंशाल्लाह हमारे ये दो लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो प्लाटो कंसिडर्ड इमिटेशन मेरली एज मेमिक्री आर सर्वाइव कॉपी ऑफ अ नेचर, ठीक है जी। तो इसने जो है ना वो की हैं, तो अरिस्टोटल इंटरप्रेटेड इट एज अ क्रिएटिव प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया अभी था कि जैसे जब वो ये कहता है कि जो असल तो रियलिटी जो है वो आइडिया में, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी तो पहले आइडिया बनाया था कि कहाँ पर पहाड़ होंगे, कहाँ दरिया होंगे, कहाँ समंदर होंगे, कैसे लैंडस्केप होगा, तो वो कहता है वो असल हकीकत तो प्लाटो के मुताबिक, ठीक है जी। इस चीज़ को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन वाला भी, ठीक है जी। जबकि अरिस्टोटल इंटरप्रेट एज द क्रिएटिव प्रोसेस, इसने ये कहा है कि ऐसा नहीं होता, मतलब जो है ना जो रियल वर्ल्ड है इसके अंदर आइडियल वर्ल्ड शामिल होती है, वो आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ आ रहा है प्लाटो जो है, जबकि अरिस्टोटल रियलिज्म से आइडियलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए इसकी नज़र में ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। प्लाटो कंपेयर पोइट्री टू पेंटिंग, जैसा कि देखें जैसे राइटर जो होता है जो चीज़ देखता है उसी को पेंट करता जाता है, यानी कि फिनोमिनल वर्ल्ड में जो भी उसको चीज़ नज़र आएगी, जैसे आपने वो वर्ड वर्ड को देखा होगा, ठीक है, नाइटिंगेल के अंदर सॉन्ग गाते हुए और वो कितना खूबसूरत जो है ना, तो वो कहता है कि वो देखो उसने सॉन्ग को सुना और एक लड़की का जो है ना वो सॉन्ग सुना और उसने उसको कुको के साथ कंपेयर कर दिया, उसको नाइटिंगेल के साथ कंपेयर कर दिया, तो इस तरीके के साथ वो पेंटिंग की तरह कर रहा अकॉर्डिंग टू प्लाटो। बट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो ये कहता है कि पोइट्री जो है ना वो म्यूजिक की तरह है, ठीक है, इसके अंदर ना सिर्फ वो चीज़ें जो दिखाई जाती हैं उनको पोइट्री कह जाता है, बल्कि उसको एक बड़े रिदमेटिक फॉर्म के अंदर बिगनिंग मिडल एंडिंग और रिदम और ये सारी चीज़ें क्रिएट करके चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाता है जी। फिर है जी इनके दरमियान आगे फर्दर डिफरेंस, प्लाटो कंसिडर जो है ना इमिटेशन मेयरली एज मेमिक्री आर अ सर्वाइवल कॉपी ऑफ नेचर। बेटा एक मिनट रुकिएगा, मैं कॉल सुनू जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। मैं चले, मैं आपको करता हूँ। ओके मैम, ओके ओके। हेलो जी बेटा, 2 मिनट के लिए रुकिएगा। जी हम स्टार्ट करते हैं जी, मुझे कॉल आ गई थी, कॉलेज से ही थी जी बेटा। उसके बाद प्लाटो कंसिडर्ड इमिटेशन मेरली एज मेमिक्री आर सर्वाइवल कॉपी ऑफ नेचर। तो प्लाटो ने ये तो ये कहता है कि इमिटेशन जो है वो सर्वाइवल कॉपी है, जो आप देखते हैं जस्ट उसको उसी तरह ही कर देते हैं। जब जो है ना उसने इसको क्रिएटिव प्रोसेस किया, ठीक है जी, उसके बाद अब हम आगे इसी तरह बढ़ते हैं जी। जी पोइट्री रिप्रेजेंट्स अ कॉपी ऑफ नेचर एज इट इज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लाटो वो ये कहता है कि पोइट्री में क्या है, जो चीज़ पोइट देख रहा है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल के ये तौर पर बताया कि नाइटिंगेल की आवाज़ सुनी पोइट ने, ठीक है जी, और वो देखता गया कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ है,
और उसको स्पेल बाउंड करती गई और वो आगे बताता गया। तो पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी एंड इट इज अ शेडो ऑफ शेडोज। तो चूंकि जो फिनोमिनल वर्ड है ये इटसेल्फ एक कॉपी है, ठीक है जी, तो इसलिए ये जो है वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो तो ये तो एक बेसलेस काम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद प्लाटो टेक्स अप द क्यूजल ऑन बिहाफ ऑफ फिलोसफी। जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के अंदर भी बताया था कि वो ये कहता है कि फिलोसफी इज़ बेटर देन पोइट्री एंड शोज दैट फिलोसफी इज सुपीरियर टू पोइट्री। क्योंकि उसने अपनी एक आइडियल रिपब्लिक लिखी थी ना, उसके अंदर वो ये चाहता था कि हमारी एक रिपब्लिक हो, क्योंकि अभी स्टोन एज से सिविलाइजेशन की तरफ आ रहे थे, तो इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो ये बहस कर रहे थे कि हमें किस तरह की चीज़ें वर्क ऑफ आर्ट चाहिए, किस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। तो अब उसमें चाहिए और नहीं चाहिए में तो यही तो बहस है, यही क्रिटिसिज्म है। और वो ये कह रहा है कि फिलोसफी इज़ बेटर देन, क्योंकि वो कहता है कि पोइट्री के अंदर इस तरह के इग्नोरेबल किस्म के और बहुत सारे ऐसा मटेरियल होता है जो बच्चों को प्रवोक कर देता है, जो कि सप्रेस करना चाहिए फीलिंग्स को। तो ये चीज़ भी है, पोइट्री में इमिटेड मैन एज दे आर बेटर एंड वर्स। तो पोइट्री गिव्स अस आइडियलाइज वर्जन ऑफ रियलिटी। तो ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो है ना, ये एरिस्टोटल के मुताबिक ये इसके पॉइंट्स हैं जो राइट साइड पे आ रहे हैं जी। तो वो ये बताता है कि पोइट्री तो असल में जो है ना, वो सिर्फ उस इंसान को जिसको वो प्रोजेक्ट कर रहा है वो वैसे का वैसा नहीं करता, बल्कि उसके अंदर हम, मैंने जैसे भी आपको बताया था कि जो कहानी एक ली जाती है उसके बाद एक प्लॉट बनाया जाता है उसमें, ठीक है जी, उसमें जो है ना चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो पोइट्री गिव्स अस आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ रियलिटी। तो पोइट्री में रियलिटी में और फर्दर आइडियाज, जैसे अभी उसी पॉइंट को एग्जांपल दे दूं, और जो ना ऑटो नाइटिंगेल, ठीक है जी, तो सॉलिटरी रीपर की मिसाल दे दूं, तो उसमें वो देखें वो पोइट्स ने ना सिर्फ उस लड़की के सॉन्ग को जिसको उसने सुना, एक लड़की गा रही है उसको, तो वो उसको नाइटिंगेल के साथ कंपेयर करता है, उसको कुको के साथ कंपेयर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने आइडियलाइज वर्जन ऑफ रियलिटी भी बयान कर दिया। कहता कि मैंने कभी इतना सॉन्ग, खूबसूरत सॉन्ग जो है ना वो नहीं सुना होगा। तो ही टेक्स अप द कजल्स ऑन बिहाफ ऑफ पोइट्री एंड अफेक्टिवली ब्रिंग्स आउट इट्स सुपीरियरिटी। तो इस तरीके साथ जो अरिस्टोटल का काम है वो अपने उस्ताद के अपोजिट है। वो ये कहता है सर, हमारे सर ने कहा तो ठीक होगा लेकिन ठीक ये मेरे नज़र में जो है ना वो ठीक नहीं है। ओवरऑल समरी ऑफ पोइटिक्स में हम देखते हैं जी इसमें क्या है, ही डिफाइंस पोइट्री एज अ मीन्स ऑफ मिमिसिस आर इमिटेशन, ठीक है जी। तो ये हमारे चूंकि दो लेक्चर्स में है तो इसलिए आज हम इसको फर्दर जो है ना ये कर लेते हैं डिस्कस जितना होता है ये। तो और इमिटेशन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज रिदम एंड हार्मनी, ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर इमिटेशन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन में यही चीज़ है। मिमिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को इमिटेट करना, ठीक है जी। तो चूंकि वो जो प्लाटो है वो कर रहा है पोइट्री को कंपेयर जो है पेंटिंग के साथ, जबकि अरिस्टोटल, ये अरिस्टोटल की बात है, वो कहता है लैंग्वेज रिदम हार्मनी तो ये म्यूजिक है, ठीक है। तो इसलिए वो म्यूजिक के साथ कंपेयर करता है कि पोइट्री जो है इसी तरह हमें लिफ्ट करती है, जब हम कभी भी कोई चीज़ जो है ना देखते हैं तो उसको फर्दर हमारे लिए वो बेटर हो जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद ट्रेजेडी और डेनेसियाज, थाउजेंड्स, 33, एस्किलिस, सोफोकल्स, यूरिपाइड्स, ये बड़े बड़े राइटर्स थे, उनकी ट्रेजेडी से इसने कुछ चीज़ें डिराइव की हैं, ठीक है जी। तो उसकी तरह उसके बाद ये कैथारसिस का भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अभी, कि कैथारसिस किसे कहते हैं, कि ट्रेजेडी सर्व टू अरोज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर एंड टू अफेक्ट अ कैथारसिस। लेकिन ये देखें जी, ये भी एक चीज़ है कि फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी में ये चीज़ आ रही है, कि मसलन देखें ना कि कभी भी जो ट्रेजेडी का मकसद क्या होता है, एक ऐसा सॉन्ग होता है जिसके अंदर हम जो हैं वो मतलब इस तरीके के साथ जो है ना वो कर रहे होते हैं काम, कि मतलब ऐसा एक्शन, जैसे आपने ओडीपस रेक्स जो है वो पढ़ा होगा, उसमें देखा आपने कि एक राइटर है वो जो क्या नाम है प्रोटागोनिस्ट है, वो बाय द मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो अपनी मदर के साथ शादी कर लेता है, फादर को कत्ल कर देता है, और उस एक्शन के अंदर वो जानबूझ के नहीं करता, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ आयरनी, ठीक है जी। तो ये जो आयरनी है उसकी वजह से हमें, क्योंकि उसने जान डिलिबरेटली ये नहीं किया, तो इसलिए हमारे ऊपर फीलिंग है पिटी एंड फियर आया। पिटी कब आएगा, फियर कब आएगा, इसको हम फर्दर करेंगे इनके लेक्चर्स में, कैथारसिस को जब हम इसको डिटेल्स, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम इसका कर लेते हैं। फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, देखिए जब हम पिटी तब आती है जब हम किसी की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, कि मतलब किसी की तरफ देखते हैं कि बड़ा इसके साथ जाती हो गया, कोई हम ट्रेजिक एक्शन देखा उसके अंदर हम जब देखते हैं चीज़ें तो हम देखते हैं हाँ भाई इसके साथ तो बहुत बड़ी जाती हो गया, ठीक है जी। तो उसके साथ हम फिर हम दर्दी करते हैं, ये है पिटी। लेकिन फियर का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा पीछे हटने की बात होती है, कि मसलन देखे ना कि जैसे एडिपस रेक्स ने, वो ओवरऑल बहुत इंटेलिजेंट था वो, ठीक है जी,
उसने अपने बहुत सारी रिडल ऑफ स्फिंक्स को उसने सॉल्व किया था, याद है जी। तो उसने स्फिंक्स रिडल को सॉल्व कर लिया, लेकिन जो उसकी अपनी रिडल थी उसको वो बिल्कुल भी ना कर सका। वजह क्या थी कि उसको मतलब जो है ना वो शायद अपने गुरूर में इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो चुका था उसका प्राइड उसके ऊपर, कि उसकी रीज़न काम ही नहीं कर रही थी। तो इस तरह एक ऐसा फंक्शन बनाया जाता है ट्रेजेडी, मतलब एक ऐसे एक्शन को, एक ऐसे मतलब जो है ना कहते हैं कि जिसके अंदर फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर आए। आगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आगे इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि अगर प्लॉट सही तरह काम करेगा, अगर मतलब करेक्टर बहुत आइडियल होगा वो, मतलब अगर आगे जो है ना चीज़ें ये चल के थोड़ी डिस्क्राइब होती हैं जैसे देखेंगे, तो 6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। मैंने कहा था ना जी ट्रेजेडी को इसने कंपेयर किया है मतलब जो है ना एपिक के साथ और दूसरे फॉर्म ऑफ कॉमेडीज के साथ, लेकिन इसने कहा कि ट्रेजेडी इज अ रियल आइडियल जो है ना वो फॉर्म ऑफ पोइट्री, बिकॉज इट फंक्शंस अ ग्रेट डील। इसके अंदर बहुत सारी इसकी नेचर्स भी हैं, इसके अंदर फंक्शंस भी हैं, इसके बाद और इसमें वो ये बता रहा है कि एक प्लॉट है, प्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बिगनिंग मिडल और एंडिंग, ठीक है। अगर ये चीज़ होगी तो यकीनन हमें फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर आएगा, मतलब वो उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कैथारसिस को आप क्या समझे, कैथारसिस देखे ना जब हम देखते हैं ओवरवेलमिंगली चीजों को देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है किसी चीज को देखना, ठीक है जी, और जज करना, और वो मतलब जो है ना कि उनके लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब जैसे हमारे लिए होगी, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हादसा हम देख लेते हैं, तो ये वो मतलब वो कहते हैं कि आर्ट जो है हमें लाइफ का जीने का सलीका सिखाती है। अगर एक आर्ट अच्छे तरीके से ये तमाम इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर पूरे होना, तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक अच्छा प्लॉट कहानी ना बने और उसका कोई फंक्शन हो, मतलब तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, उसका कोई पर्पस ना हो। तो पर्पस क्या है, हमें लाइफ के अंदर बहुत सारी हकीकतों को, जो बहुत सारी एनिगमेटिक चीजें हैं, जो बहुत सारी जो है ना मिस्टीरियस चीजें हैं, उनको सिखाना, ठीक है जी। तो उसके बाद करेक्टर, एक आइडियल करेक्टर वो क्या कहता है, एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन होना चाहिए, ठीक है जी। एक मतलब जो है ना ना ही तो वो ओवरली गुड हो ना ही ओवरली बैड हो, क्योंकि अगर एक बैड करेक्टर कोई बात करेगा तो मतलब जैसे अगर ओडिपस को पता होता कि वो अपनी मदर के साथ शादी कर रहा है, फादर को कत्ल कर रहा है, तो यकीन है उसका फंक्शन कोई ना रहता ट्रेजेडी का, हमें फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर तो ना होता ना। तो इस तरीके के साथ जो करेक्टर है वो ये चीज इंडिकेट कर रहा होता है कि मतलब जो है ना आइडियल करेक्टर वो होगा जो इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन हो, मतलब उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी हो, कुछ बैड क्वालिटीज। बैड मतलब उसका वो मतलब जो है ना वो उसके क्या कहेंगे एरर जजमेंट के अंदर शामिल हो, मतलब इंटेंशन में शामिल ना हो, क्योंकि अगर इंटेंशनली एक बंदा पर्सन बैड है, जैसे कोई बंदा इंटेंशनली बैड और वो 6 बंदे कत्ल कर दे और बाद में रो रहा हो, तो हमें फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर नहीं आएगी। व्हाई? बिकॉज द करेक्टर जो है ना विच वॉज प्रोड्यूस बाई द क्रिटिक और राइटर इज अनेबल टू फुलफिल आवर डिजायर्स। सो इसलिए वो ये कहता है कि अगर ट्रेजेडी को आपने रियलिस्टिक बनाना है तो ये 6 इंग्रेडिएंट्स जो है ना उनको ऐड कर दें। थॉट, थॉट का मतलब क्या होता है, थीम। थीम बड़ा एलिवेटेड होना चाहिए, कि जैसे एडिपस रेक्स में ये है कि मतलब जो है ना एक फेट फेट रोल ऑफ फेट एंड चांस, ठीक है जी, कि फेट ने पहले ही लिख दिया हुआ था, ठीक है जी, और फ्री विल का मुकाबला है। हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसे है कि वी आर जस्ट मतलब जो है ना फैटल, ठीक है जी, हमारे मतलब जो है ना हमें बता दिया गया हुआ है कि हम लोग मर जाना है, हम लोगों ने हम ये, लेकिन उसके बाद उसमें फ्री विल दी गई है कि लेकिन हमें इस लाइफ को बड़े ही पॉजिटिवली गुजारना है, ठीक है जी, अगर हम अच्छा गुजारेंगे तो फिर ये मतलब जो है ना, तो इस तरह ये फेट और फ्री विल इस तरह की थीम्स देती हैं जो ट्रेजेडी होती है, वो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अनटॉवर्ड इवेंट्स सिखाती है और बहुत सारे मामला जो है ना वो हमें पता चलता है। उसके बाद है जी डिक्शन। डिक्शन भी वो ये कहता है कि डिक्शन ऐसी होनी चाहिए कि मतलब डिक्शनरी से वर्ड जो है ना जो ऐसे चूज किए गए हैं जो राइटर्स को, जो ऑडियंस को समझ आए, जिनकी ये ना हो कि उसके ऊपर से गुजर जाए। तो मतलब जो ना दोनों किस्म की चीजें शामिल होनी चाहिए, कि मतलब प्रोज भी, पोइटिक पोइट्री भी। तो उसके बाद है जी मेलेडी एंड स्पेक्टेकल। मेलेडी का मतलब क्या होता है कि मतलब जो है ना आपने देखा होगा कि पोइट्री जो जब बहुत जो आइडियल क्लासिकल जो ट्रेजेडीज होती हैं उसके अंदर रोल ऑफ कोरस जो होता है वो बहुत ज्यादा पिविटल होता है, ठीक है जी। वो रोल ऑफ कोरस जो है वो देखें कि मतलब किस तरीके के साथ वो कोरस आके गा के बता रहे होते हैं और वो डिफरेंट एपिसोड्स को मार्क कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि हम जो है ना किस तरीके के साथ आगे कहानी जाएगी, पिछले जो इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर रिमार्क्स कर रहे होते हैं। तो ये मतलब जो है ना इस तरह मेलेडी, और कुछ आगे जब कहानी आती है डायलॉग से सूरत में तो वहां पर नसर की सूरत होती है। तो मतलब कहानी का ये मेलेडी भी बीच में होनी चाहिए, मतलब गा गा के भी होना चाहिए और दूसरा भी होना चाहिए, नसर भी होना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज एन आइडियल थिंग। उसके बाद स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है कि
स्पेक्टेकुलर हो, जैसे आपने ओडिपस की ट्रेजेडी पढ़ी होगी। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इसने सारा का सारा जो है ना वो सोफोकल्स की जो ओडिपस रैक्स है ट्रेजेडी, उसको इसने बेस्ट ट्रेजेडी कंपेयर किया था और कहा था कि इट इज एन आइडियल फॉर मी एज अ क्रिटिक। तो वो कहता है कि उसको मॉडल बनाते हुए ये हमें चीजें बताता है, और ये अगर हम उसको सामने रखेंगे तो हमें इजीली ये जो क्रिटिसिज्म है या जजमेंट है वो आसानी से समझ आ जाएगी। तो स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है जी? स्पेक्टेकुलर होना चाहिए कहानी को, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना चीजों को दिखाया जाए परफॉर्म करके। यानी कि जैसे अगर हम एडिपस रेक्स का एंड देखते हैं तो वो अपनी आंखों को ना निकाल रहा होता है ब्रूचेस के साथ जो है ना, वो मतलब पिन्ने मार रहा है और उसके आंखों से खून जो है ना वो ऊज कर रहा है, ब्लड जो है ना वो बह रहा है। तो इस तरीके के साथ हमें पता चलता है कि मतलब जो है बड़ा स्पेक्टेकुलर सीन है, और वाकई ही पता चलता है कि किस तरीके के साथ जो है फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर भी आ रहा है हमें। ठीक है जी, तो ये इसके 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके ऊपर उसने वर्क किया, और वो कहता है कि अगर पोइट्री इन तमाम चीज़ों को ऐड कर ले तो एक आइडियल मतलब लेसन्स और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं, क्योंकि कुछ हमारे फैक्ट्स होते हैं जो हम आगे बताते हैं लोगों को। तो इस तरीके से उसने बड़ी खूबसूरती के साथ जजमेंट किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट एसेंशियल टू क्रिएट अ गुड ट्रेजेडी इज दैट इट शुड मेंटेन यूनिटी ऑफ प्लॉट। जो पहला हिस्सा जो आपने वन नंबर वन 6 इंग्रेडिएंट्स है ना इसके, तो उसमें ये बताता है कि पहला हिस्सा जो प्लॉट का है, अगर अच्छा प्लॉट नहीं है तो अच्छी कहानी आ ही नहीं सकती। ठीक है जी, मसलन देखे ना कि अगर प्लॉट अच्छा होगा कहानी के अंदर, बिगनिंग होगी, मिडल होगा, एंडिंग होगा, ये दो इसके अंदर वो आगे इसने टर्म्स भी यूज की हुई है, वो अगली स्लाइड पे मौजूद भी है। ठीक है जी, द प्लॉट कैन ऑल्सो बी इनहांस बाई एन इंटेलिजेंट यूज ऑफ पेरिपेशिया। पेरिपेशिया किसे कहते हैं? अ रिवर्सल ऑफ सिचुएशन एंड एनग्नोराइजिस और रेकग्निशन। यानी कि आप जैसे देखें कि कहानी जब स्टार्ट होती है तो ओडिपस रेक्स जो है वो एक आइडियल पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, वो पूरा एक किंग लग रहा है। ठीक है जी, और वो किंग की तरह, किंग है भी और किंग की तरह परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो ही आहिस्ता आहिस्ता कहानी, चूंकि आयरॉनिक है, ठीक है जी, कहानी सारी की सारी जैसे वो एक थ्रिलर थ्रिलर है, तो मतलब डिटेक्टिव का स्टोरी है, तो उसमें पता ये चलता है कि ओरिजिनली ही वाज हिमसेल्फ अ किलर। ठीक है, क्योंकि हंट हो रहा होता है किलिंग का, तो वो खुद तो एजेंट है, खुद ही किल किया उसने अपने बाप को, क्योंकि वहां पर इस वजह से प्लेग आया हुआ है, बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, तो उधर वो ताऊन आया हुआ है कि मतलब जो है ना। तो ये देखिए उसकी रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होती जा रही है, जैसे जैसे एज द स्टोरी प्रोग्रेसिस, प्लॉट प्रोग्रेसिस, उसका रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो रही है। एंड एनग्नोराइजिस, एनग्नोराइजिस का मतलब होता है रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट, कहानी के अंदर एक ऐसा इवेंट आए कि जिसके अंदर जो करेक्टर है वो अपने आप को समझे कि मैंने वाकया ही एक गलती की थी। ठीक है, तो यकीनन इसको कुछ ऐसे इवेंट्स फिर मिलते हैं, मतलब वो शेफर्ड्स घर आते हैं, वो बताते हैं कि सर आप जो है ना, आपने जो है ना इस फादर के बेटे नहीं हैं, आप तो कहीं और के हैं, तो वो इस तरीके के साथ इसको पता चलता है, ओह माय गुडनेस। तो फिर ये वो अपनी आंखों में ब्रूचेस मारता है और फिर हमें फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर आता है। तो मीन्स कि उसने, अगर हम गौर करें तो हमें समझ आ जाती है कि जो पोइटिक्स में उसने ये बताया है कि अगर वो 6 इंग्रेडिएंट जो हमने अभी आपको बताए थे, अगर हम उनकी तरफ गौर करें तो कहानी एक आइडियल प्लॉट की तरफ गई। ठीक है जी, और फिर उसके अंदर करेक्टर भी ऐसा था जो चाह रहा था कि अच्छा हो, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो बुरा कर रहा है, और इंटेंशनली बैड नहीं था। थीम में आप देखा आपने, फेट उसकी बेचारे की लिखी थी, उसके पेरेंट्स को बता दिया गया था कि ही वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, बट उसको नहीं पता था। तो फ्री विल उसकी ये थी कि वो अपनी तरफ से तो कोशिश ये कर रहा था कि मैं एक किलर की तरफ जाऊं, क्योंकि जो उनका ओरेकल ऑफ डेल्फी है, वहां का जो एक रिलीजियस था उनका, उन्होंने प्रिडिक्शन ये की हुई थी कि जो है ना ये कुछ होगा। तो अब इसने अपनी तरफ से तो कोशिश किया उसको अपोज करने की, बट फेट जीत गई और फ्री विल हार गए। प्रिडिक्शन में भी आप, मैंने जैसे भी आपको बताया कि इसमें भी रोल ऑफ कोरस है, कोरस जो है ना वो आके गा रहे हैं और पिछले इवेंट्स के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, और वो अगले इवेंट्स के आने वाले जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद मेलेडी भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, डिक्शनरी में उसने मतलब हर तरह के लैंग्वेज यूज़ किए हैं जो डेली यूज में आती हैं, मतलब जो है ना, क्योंकि मेटाफिजिकल बात नहीं ना करनी इन्होंने। ठीक है, कि वो समझ ही ना आए ऑडियंस को। सॉरी। तो इस तरीके के साथ ये मेलेडी और स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का भी देख लें, एडिवस रेक्स में आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ट्रेजेडी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, और फिर फंक्शन ऑफ पोइट्री बताया, फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन बताया। ठीक है जी, हम आज हमने इन चीज़ों को बेसिकली डिस्कस कर लिया जी। ठीक है जी, तो आगे हम चलते जाएंगे इंशाल्लाह के, मतलब इनका करेक्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं, हम इसको कल से इंशाल्लाह यहाँ से पकड़ेंगे और देखेंगे कि करेक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। थाट क्या, मतलब थाट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्लॉट के अंदर जो परिपेशिया है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और एनग्नोराइजिस, ये दो टर्म्स यू ज़रूर याद करें आप। ठीक है जी, इससे काफ़ी आप लोगों को बेहतरी मिलेगी। तो उसके बाद जो है ना ये, हाँ
हाँ जी, हमारशिया को भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. द मिस्ट्री शुड बी द रिजल्ट ऑफ सम हमारशिया और एरर ऑन द पार्ट ऑफ द हीरो. एरर ऑफ जजमेंट मतलब इंटेंशनली बैड नहीं है वो, उससे कोई गलती हो रही है तो वो जो गलती होनी चाहिए वो हीरो की जानबूझ के नहीं होनी चाहिए. अगर वो डिलीबरेटली या इंटेंशनली कोई मिस्टेक करेगा तो फिर तो हमें फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर नहीं आएगा. तो मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर एक बंदा पांच बंदे कत्ल कर देता है और बाद में रो रहा है तो हम कहेंगे भाई इसको पहले सोचना चाहिए था, अब ये रो रहा है तो इसको पहले एहसास नहीं था क्या. तो इसलिए जो है ना मिजरी इस वजह से होनी चाहिए किरदार की कि वो उसको पता ना चला हो. जैसे इसने इसको नहीं पता था कि अपनी मदर की एज से औरत से शादी कर रहा है क्योंकि ही अज्यूम्ड किंगशिप आफ्टर फॉलोइंग द किलिंग ऑफ एन अदर जो है ना किंग ओवर देयर इन द फॉरेन सिटी. तो वहां पर ये बादशाह जब ये लेता है जाके तो अपनी मदर जैसी उम्र के साथ शादी के साथ कर रहा है. तो हालांकि इसको पता था कि इस तरह होने वाला है, मदर के जो है ना शादी करोगे तो ये डर तो था इसको. उसके बावजूद इसको ये नहीं पता था कि ये कर ली है इसने कि इसकी मदर ही है. ठीक है जी, हालांकि उसको एहसास था थोड़ा फ्री विल के नाते होने की वजह से कि ये इसकी मदर जैसी है, बट ही डिडंट नो कि शी वाज हर हिज एक्चुअल मदर. तो इस तरीके के साथ हमारशिया इस चीज को कहेंगे कि जो हीरो कोई एक्शन कर दे गलती लेकिन उसको उसमें जरा भी पता ना हो. ठीक हो गया जी, तो ये चीजें आगे हम चलते जाएंगे इस तरह इम्पोर्टेंट इसकी टर्म्स वगैरह जो हैं इनको भी यूज करेंगे, फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. तो ये ही हम पोइटिक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं. ठीक है जी, सिक्स इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस कर लिया, नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री कर लिया, थ्योरी ऑफ इमिटेशन में मतलब प्लाटो ये कहता है कि पोइट्री जो है वो मतलब जो है इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है, कॉपी है, सर्वाइल कॉपी है. मतलब बस राइटर जो है ना वो पेंटिंग की तरह देखते जाते हैं और पोर्ट्रेट करते जाते हैं. जबकि अरिस्टोटल के मुताबिक राइटर तो पेंटिंग नहीं म्यूजिक बना रहा होता है, उसके अंदर वो छह इंग्रेडिएंट शामिल करता है तो वो एक आइडियल प्लॉट बन जाता है. ठीक है जी, तो फिर कैथारसिस तब भी होता है, फीलिंग कैथारसिस का मतलब क्या बयान किया हमने कि फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर. कैथारसिस तब ही होता है जब जो है ना तमाम चीजें ये प्रॉपरली प्लेस्ड हो, इनके प्लॉट आइडियल हो, करेक्टर बहुत अच्छा हो, थीम अच्छा हो, मतलब ये सारी चीजें एडिक्शन मेलेडी स्पेक्टेकल ये तमाम चीजें जो है ना उमदा तरीके के साथ डील की जाए. तो जी बेटा आप लोग क्वेश्चन जो है ना वो आप कर सकते हैं, कोई समझ ना आई हो जितना मैंने पढ़ाया है पोइटिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन जो दिया है, अरिस्टोटल के बारे में बयान किया है, प्लाटो के बारे में बयान किया है. ठीक है जी, अगर इनकी थॉट की कुछ समझ नहीं आई बेसिक बेसिक तो मुझे काइंडली आप बता दें. अगर टाइम कम है तो आप लोग मुझे जी बेटा अब लास्ट मिनट है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. सर हमारी ऑनलाइन क्लासेस कब तक चलेंगी? ये क्वेश्चन जी ऑनलाइन क्लासेस तो ई से पहले तक तो हमें कहा गया है जी, तो बाकी तो इंशाल्लाह हमारी कैंपस में ही होंगी. ठीक है जी, कब तक?